हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ 2021 यामाहा FZS FI के न्यू TVC हाईलाइट फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड, यामाहा ब्रांड ने हाल ही में अपनी अपडेटेड वर्जन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोटरसाइकिल FZ FI एंड FZS FI है वो लॉन्च की है, जिसका प्राइस हमें 1,03,700 रुपीज़ एक्सोरूम प्राइस देखने को मिला है। और फ्रेंड, अब मैं बात करने वाली हूँ इसकी TVC हाईलाइट फीचर्स के बारे में, मतलब कि फ्रेंड इसकी TV कॉमर्शियल हाईलाइटिंग है, उसके कुछ न्यू फीचर्स के बारे में जो कि हमें इसकी प्रीमियम वर्जन ऑफ द FZ सीरीज में देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें न्यू कलर ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि फ्रेंड मैट रेड इन एडिशन टू द प्री एग्जिस्टिंग पेंट स्कीम देखने को मिला है। जैसे कि फ्रेंड, इसके अंदर हमें डार्क नाइट, डार्क मैट ब्लू, मैट ब्लैक एंड विंटेज एडिशन देखने को मिला है। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट एक्स टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है, जिससे कि जो राइडर है वो अपना स्मार्टफोन है वो बाइक से कनेक्ट कर सकता है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें ब्लूटूथ से कनेक्टेड देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसका जो अर्लियर लिमिटेड टॉप ऑफ द लाइन विंटेज एडिशन है, उसके अंदर हमें लेटेस्ट अपडेट में स्टैंडर्ड ऑफरिंग अक्रॉस FZS रेंज देखने को मिलने वाली है, जिससे कि इसके अंदर हमें जो कनेक्ट एक्स टेक्नोलॉजी है उससे राइडर आंसर बैग, ई लॉक, लॉकेट माई बाइक एंड हजार्ड जैसे फीचर्स है वो एक्सेस कर सकता है। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें जो FZS है उसका लोगो हमें 3D एम्ब्लेम के साथ देखने को मिलने वाला है, जो कि इसके फ्यूल टैंक पे देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें स्टार्ट स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, अगर बात करें इसके अदर फीचर्स के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें अपडेटेड FZS लाइनअप देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर कि हमें LED हेडलाइट, फुली डिजिटल नेगेटिव LED इंस्ट्रूमेंट पैनल, 2 लेवल सिंगल पीस सीट, Bose सिंगल चैनल ABS देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें 17-inch स्पोक एलॉय व्हील्स। फ्रेंड, अब मैं बात करने वाली हूँ इसके इंजन के बारे में। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें 149cc सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें 12.2 BHP के पावर आउटपुट के साथ 13.6 Nm के टॉर्क के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें 5-speed गियरबॉक्स देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, अगर बात करें इसके हार्डवेयर सेटअप के बारे में, तो फ्रेंड इसके फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक फ्रॉक्स एंड रियर में हमें 7-step एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, अगर बात करूँ इसकी ब्रेकिंग सेटअप के बारे में, तो फ्रेंड इसके फ्रंट में हमें 282mm के सिंगल डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में हमें 220mm के रियर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड, इसकी फीचर्स के हिसाब से इसका प्राइस है वो माइनर हाइक हो सकता है, मतलब कि फ्रेंड्स के प्राइस में हमें 1000 से लेके 205,000 जितना जो है वो चेंज देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, इसकी राइवल है वो इंडिया के अंदर पल्सर 150, सुजुकी जिक्सर, TVS अपाचे RDR 160 एंड हीरो एक्सट्रीम 160 के साथ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।